हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर्स। प्रीवियस वीडियोज़ में अपन ने जो अपने कर्ल थे, डाइवर्जेंट थे, ठीक है, ग्रेडियंट थे, इन सबको अपन ने डिस्कस किया। इनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनको भी अपन ने डिस्कस किया था। आज जो है वो अपन इनके इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किए थे। अभी तक जो प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखी थी, जो भी डाइवर्जेंट, ग्रेडियंट और कर्ल थी, वो सभी किस पर बेस्ड थी? अपनी इसके डिफ्रेंशिएशन पर बेस्ड थी, ठीक है। अब अपन जो देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अपन इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर किस तरह से डिफाइन होता है और किस तरह से उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि आपको डिफाइन कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन को डिफाइन करने का यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका होता है, यह अपना कोई एफ वेक्टर टी होता है, ठीक है, और इसका किसकी रेस्पेक्ट में अवकलन किया जाता है? डी टी की रेस्पेक्ट में अवकलन किया, सॉरी, समाकलन इसका, अपन इंटीग्रेट इसको करवाते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करवाते हैं तो यहाँ पर मान लो कोई दूसरा अपने को एक फंक्शन मिलता है और उसके साथ क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। और ये जो यहाँ पर ये कांस्टेंट डिफाइन होता है, ये कांस्टेंट भी कैसा होता है? सदिश कांस्टेंट, यानी ये जो अपने को अचर दिख रहा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट अचर वैल्यू दिखती है, ये अचर भी क्या होती है? एक सदिश राशि यहाँ पर डिफाइन होती है। इस बात का आप यहाँ पर खास से ध्यान रखिएगा, क्लियर है अच्छे से। ये अपना आता है अनिश्चित समाकलन में, और अपन जानते हैं कि जब अपन निश्चित समाकलन, यानी यहाँ पर अगर अपन लिमिट डिफाइन कर देते हैं तो ये जो सी होता है ये अपना हट जाता है, ठीक है, और अपने पास एक फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है, यानी फिक्स जो अपना इंटीग्रेट वैल्यू होती है वो अपने को फाइंड आउट हो जाती है। ये सिंपली अपन जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में ये दोनों प्रॉपर्टीज़। अब जो है वो अपन यहाँ पर इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे कि किस तरह से इनके एग्जाम्पल्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से इनको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है इसमें अपन देखते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है अपने को दे रखी है, कोई दो कांस्टेंट जो अपने पास एक फलन दे रखा है, टी का फंक्शन दे रखा है, और अपने को क्या करवाना है, उसका अवकलन है, सॉरी, डिफ्रेंशिएशन करवाना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, मैं लिख देती हूँ फंक्शन, एग्जाम्पल के अंदर अपना जो फंक्शन है वो दे रखा है एफ ऑफ टी इजिकल्स टू टी माइनस टी स्क्वायर आई के प्लस टू टी क्यूब जे के प्लस, सॉरी, माइनस थ्री के। ये वैल्यू जो है वो अपने पास में यहाँ पर गिवन है, और अपने को क्या करवाना है, इसका इंटीग्रेशन है करवाना है। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एफ टी की वैल्यू जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए, पुट कर दीजिए वैल्यूज को, टी माइनस टी स्क्वायर आई के प्लस टू टी क्यूब जे के प्लस माइनस थ्री के, ठीक है, और बाहर क्या है अपना डी टी, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं, और इसके साथ में अपने को पता है क्या आएगा, एक कांस्टेंट भी डिफाइन होता है, जो अपन ने अभी अभी बताया था, जब मैंने आपको यहाँ पर इसके अवकलन को, सॉरी, डिफ्रेंशिएशन को बताया था तब। तो अब देखिए, अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। आई केप को मैं यहाँ पर बाहर पुट कर देती हूँ, अंदर बचा टी माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस जे के, और टू को मैं बाहर रख दी मान लो, तो अंदर बचा टी क्यूब डी टी माइनस थ्री थे के केप को बाहर ले आए, अंदर बचा वन है डी टी और प्लस में सी, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट करवा देते हैं। तो देखिए, पहली टर्म को इंटीग्रेट करवाया तो अपने पास क्या आया, टी बाई टू माइनस टी क्यूब बाई थ्री टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, टी स्क्वायर बाई टू और टी क्यूब बाई थ्री, और बाहर क्या आया आई के प्लस, यहाँ पर आएगा अपना टू बाई थ्री, सॉरी, फोर है टी की पावर फोर है जे के, ये आ जाएगा अपना इधर, ठीक है। और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी उसके अंदर जो है वो अपना इसके क्या साथ क्या आ जाएगा, थ्री टी के केब और प्लस में सी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर जो इसका वैल्यू अपन देखते हैं, इंटीग्रेशन जो होता है वो इजीली यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है। सिंपली जब जो इंटीग्रेशन अपन करते हैं,
अक्स की रेस्पेक्ट में अपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वेक्टर है, तो इसके साथ आई केप, जे केप और के केप चलता है, और वहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो नॉर्मली फंक्शन होते हैं, तो उनके अंदर अपने यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इंटीग्रेशन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जिसमें अपना क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, कोई भी अपन प्रोडक्ट के साथ जब इंटीग्रेट को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने सी को तो बताया था, सी क्या होती है, यहाँ पर एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको एक सदिश राशि की फॉर्म में लेके चलिएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा इसके लिए। तो देखिए अपने पास जो वैल्यू है वो गिवन है, इसमें लिमिट भी गिवन है, ठीक है। आर वेक्टर और एस वेक्टर दो वेक्टर दे रखे हैं। आर वेक्टर है गिवन है, टी आई केप है माइनस टी स्क्वायर जे केप है प्लस है टी माइनस वन है के केप, ये दे रखा है। और एस वेक्टर जो है वो दे रखा है टू टी स्क्वायर आई केप है प्लस सिक्स टी के केप, ये वैल्यू जो है वो अपने पास में गिवन है। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है जीरो से टू के बीच में आर डॉट एस उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को फाइंड आउट क्या करना है, मैं अभी लिख लेती हूँ जीरो टू एस आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर है, और इसका अपने को इंटीग्रेशन, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करना है, तो पहले तो अपन आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर निकालेंगे, ताकि अपन वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर वैल्यू पुट कीजिए, आर वेक्टर है अपना टी आई के माइनस टी स्क्वायर जे के प्लस टी माइनस वन है के केप, ये दे रखा है। ये किसका वैल्यू है अपना आर वेक्टर का, ठीक है। फिर एस वेक्टर होगा टू टी स्क्वायर आई के प्लस सिक्स टी के केप, ये वैल्यू जो है वो अपने पास डिफाइन है। अब अपन जानते हैं आई केप का आई केप के साथ होता है, तो आई केप का आई केप के साथ होगा तो ये आएगा टू टी क्यूब। जे केप का जे केप के साथ होता है, लेकिन जे केप के साथ यहाँ पर कोई वैल्यू डिफाइन है नहीं, इसलिए होगा नहीं। और के केप का के केप के साथ होगा तो यहाँ पर आएगा सिक्स टी टी माइनस वन, खोल लेते हैं इसको, टू टी क्यूब प्लस सिक्स टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी, ये वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ पर फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू आ गई, यहाँ पर जीरो से टू है सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर अपन वैल्यू रख देते हैं जीरो से टू आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर डी टी, तो जीरो से टू आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए टू टी क्यूब सिक्स टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी। अब आप इसमें जानते हैं कि अपन ने यहाँ पे कौन सा स्केलर प्रोडक्ट को यूज़ किया है, अपन ने यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट करना था, स्केलर प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो अपने पर यहाँ पर जो राशि मिलेगी जब मल्टीप्लीकेशन के बाद जो अपना आंसर आएगा वो कैसा आएगा, एक अदिश राशि आएगा। यहाँ पर आई केप जे केप और के केप जो है वो साथ में नहीं चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर स्केलर प्रोडक्ट की जगह अगर वेक्टर प्रोडक्ट होता तो यहाँ पर आई केप जे केप और के केप की फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू डिफाइन होती, बस यही डिफरेंस रहता है दोनों के वेक्टर्स में, अपन अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। अब जो है वो अपन इनको इंटीग्रेट करवा देंगे और फिर इसकी लिमिट पुट करके इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपने पास जो वैल्यू है ये अपने इसका आएगा टू टी की पावर फोर अपॉन है फोर, तो ये इसे टू टाइम में हट जाएगा प्लस है सिक्स टी क्यूब अपॉन है थ्री, थ्री से ये टू टाइम कट जाएगा प्लस है सॉरी माइनस है सिक्स टी स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा थ्री। अब है जीरो से टू, अब अपन जानते हैं कि जब अपन ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो माइनस के उधर तो कुछ आएगा नहीं। टू रखने पर ये जो वैल्यूज है वो देखिए क्या बनेगा, टू की पावर फोर है अपॉन टू, ठीक है प्लस है टू टू की पावर है
थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस थ्री टू का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अपना आंसर जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए क्या आएगा आंसर, आंसर अपने पास बनेगा। देखिए यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पर टू की पावर थ्री बना, ये टू की पावर फोर हो गया और ये थ्री इंटू फोर हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, ये बना एट, ये बना सिक्सटीन और ये बना ट्वेल्व, ठीक है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर जो है वो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर, है इस फॉर्म में डिफाइन होगा। देखिए 16 में से 12 गए, अपने पास 4 बच गए, ठीक है, और 8 और 4 ऐड होके कितने आ जाएंगे, 12, ठीक है। तो जब अपन इसका इसके अंदर जब लिमिट पुट करवा के जब अपन आंसर निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0 से 2 आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर डीटी की वैल्यू ये फाइंड आउट है हो जाती है। लेकिन अगर इसकी जगह वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की जगह अगर अपना क्रॉस प्रोडक्ट होता तो ये वैल्यू किस में डिफाइन होती, एक सदिश के रूप में, यानी एक सदिश राशि के रूप में अपने को फाइंड आउट होती। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अपन वेक्टर को इंटीग्रेट किस तरह से करवाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।